विमला अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की ढूंढने में लगी थी। एक रोज विमला अपनी पड़ोसन शांता से कहती है, अरे अब शांति मैं क्या बताऊं? बड़ी परेशान हूं मैं तो, दुखी हो गई हूं। कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही। संजय की भी उम्र हो गई है, अब देर करने से कोई फायदा नहीं है। अरे अब क्या बोलूं विमला, आजकल ना लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अब पैसे वालों को भी लड़कियां नहीं मिल रही। तेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ऊपर से संजय भी इतना कमाता है। पढ़ी लिखी लड़कियों के ना नखरे बहुत हैं। 10,000 कमाती है और दिखाती है कि लाखों कमा रही है। तू ना कोई कम पढ़ी लिखी लड़की ले आ, तुझे पढ़ी लिखी बहू से कराना ही क्या है? बनाना तो उसे भी खाना ही है ना, तो कोई बनाना तो उसे भी खाना ही है ना, तो कोई भी ले आ, अनपढ़ भी चलेगी। अरे नहीं नहीं, मुझे अनपढ़ लड़की नहीं चाहिए। हे ईश्वर कुछ तो करो, अनपढ़ लड़की आएगी तो पूरे वंश को अनपढ़ कर देगी। अरे मेरी बात मान, इतने नखरे मत कर, ज्यादा नखरे करेगी ना तो बेटा कवारा ही रह जाएगा। दिन बीतने लगते हैं, संजय के लिए लड़की मिलना और भी मुश्किल होता जाता है। एक रोज संजय की दुकान पर नीतू सामान लेने आती है और नीतू को देख संजय उस पर लट्टू हो जाता है। इतने में विमला भी दुकान पर आ जाती है और नीतू विमला को भी भा जाती है। 1 किलो चीनी मिलेगी क्या? हाँ हाँ बेटा मिलेगी ना, तुम बैठो ना। संजय चीनी दे से। संजय चीनी देता है और नीतू की आंखों में देखता ही रह जाता है। विमला उन दोनों को देखती है और उसी वक्त नीतू को अपनी बहू बनाने की ठान लेती है। ये लड़की मेरी बहू बनेगी, देखने में तो अच्छे घर की लग रही है और पढ़ी लिखी भी लग रही है। इसका बात करने का अंदाज ही बता रहा है कि पढ़ी लिखी है, वरना अनपढ़ लोगों में ऐसा अंदाज होता ही कहाँ है। बिना देरी किए इसके घर वालों से बात कर लेती हूँ, वरना ये भी हाथ से चली जाएगी। विमला मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सीधे नीतू के घर पहुँच जाती है। बहन जी आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद है, एक बार देख तो लीजिए मेरी बेटी को, उसके हाथ का कुछ खा कर देख लीजिए, मिल लीजिए। अरे मुझे कुछ नहीं देखना, एक झलक में ही नीतू मुझे और मेरे बेटे को पसंद आ गई है। बस आप ये बताइए कि आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। आपके लड़के को कौन नहीं जानता, संजय तो मुझे बहुत पसंद है जी। अरे बस तो शादी पक्की। नीतू की माँ विमला को कुछ बताना चाहती थी लेकिन बार बार रह जाती थी और विमला भी उसे सुने बिना ही रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ दिनों में संजय और नीतू की शादी हो जाती है और नीतू अपने ससुराल कई अरमानों के साथ चली आती है। इधर विमला खुशी से फूली नहीं समा रही थी और अपनी नाक ऊंची कर बड़े इतराते हुए नीतू का गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। मोहल्लों की औरतों से विमला कहती है, आज शाम को ना नीतू की मुंह दिखाई है, सबको आना है। नीतू के आने से ना मेरे घर में 4 चांद लग गए हैं। अब सब लोग अपने घर जाइए, मेरी बहू को ना आराम करना है। विमला की बातें सुन मोहल्ले की औरतें चिड़चिड़ाने लगती हैं। अरे देखो तो कितनी इतरा रही है, बहू के आते ही रवैया बदल गया इसका तो। अरे कल तक तो मेरे सामने रोती थी कि कोई लड़की हो तो बता दे, मेरी मदद कर दे, और आज तेवर देखो। अरे अभी तो बस बहू आई है, अभी तेल देखो, तेल की दहार देखो, यही बहू देख लेना इसके ना के दम कर देगी, तब जाकर इसको समझ में आएगा। शाम में सभी औरतें नीतू की मुंह दिखाई के लिए विमला के घर आती हैं। नीतू का मुंह देखकर सब कुछ ना कुछ उसको देते हैं। तभी विमला के घर पर एक कोरियर आता है और विमला कहती है, अरे बहू जरा पढ़कर तो बताना ये किसका कोरियर है। पढ़ने के नाम से नीतू का खून सूख जाता है और विमला सबके सामने नीतू के हाथ में कोरियर पकड़ा देती है। नीतू को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो मन ही मन कहती है, अब मैं क्या करूँ,
मम्मी जी को बताना ही पड़ेगा कि मैं पढ़ नहीं सकती। नीतू लड़खड़ाती आवाज में जैसे ही विमला को सब कुछ बताने के लिए उठती है तो चक्कर खाकर गिर जाती है। इस बार तो वो बच जाती है। सभी औरतें अपने घर चली जाती हैं। अरे मेरी बहू को सबने नजर लगा दी, बहू तू आराम कर। संजय नीतू को कमरे में ले जाता है। आज तो मैं किसी तरह बच गई, लेकिन कब तक बचती रहूंगी? मैं सब कुछ संजय को ही बता देती हूँ। नीतू मौका पाकर संजय को सब कुछ बता देती है। नीतू अनपढ़ है ये सुनकर संजय के होश उड़ जाते हैं, लेकिन संजय नीतू के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। क्या सच में तुम अनपढ़ हो? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माँ को ये बात पता चल गई तो तुम्हें उसी वक्त घर से निकाल देंगी। माँ को अनपढ़ बहू नहीं चाहिए। पर अब क्या होगा? जो होगा सो होगा। तुम बस ये कोशिश करना कि माँ को कुछ भी पता ना चले, और मैं तुम्हारे लिए एक ऑनलाइन ट्यूटर लगा देता हूँ जिससे तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगी, और धीरे धीरे तुम सीख भी जाओगी और माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। संजय नीतू के लिए ऑनलाइन क्लास लगा देता है और नीतू भी पूरा मन लगाकर पढ़ाई करती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज पड़ोस की एक बच्ची अपने हाथ में किताब लेकर विमला के घर आती है। ये क्या है आंटी? मम्मी ने कहा कि इस घर में एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की है, जरा पढ़कर बताइए ना। हाँ हाँ, मेरी बहू है ना। देख, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मेरी बहू है ना बहुत स्मार्ट है, उसे ना सब कुछ आता है। अरे नीतू, जरा इसे पढ़ के बता तो। जी मम्मी जी, मैं पढ़ा देती हूँ। नीतू समझदारी दिखाते हुए उस बच्ची को अपने कमरे में ले जाती है और उसे खेल में उलझा देती है, और इस बार भी बच जाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं, और एक दिन विमला और नीतू बाजार जाते हैं। तब विमला कहती है, बहू मैं सोच रही हूँ कि एक फेशियल किट खरीद लूँ। जी मम्मी जी, ले लीजिए ना, वैसे भी न्यू ईयर आने वाला है तो हमें जरूरत पड़ेगी। विमला बहुत तरह की फेशियल किट देखती है और नीतू से कहती है, अरे नीतू बहू, जरा पढ़ के देख तो किसमें फ्रूट्स हैं, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। नीतू मन ही मन सोचती है, अब क्या करूं, मम्मी जी आपको नहीं आती तो मुझे कौन सा आती है, मुझे तो हिंदी भी नहीं आती। कोई भी किट उठाकर मम्मी जी को कह देती हूँ कि इसमें फ्रूट्स हैं, उन्हें कौन सा क्या पता चलेगा। नीतू एक किट उठाती है और कहती है, मम्मी जी इसमें फ्रूट्स हैं, ये ले लीजिए। मेरी बहू बहुत तेज है, ए भैया यही किट दे दो। दोनों सास बहू वापस अपने घर चली जाती हैं। फिर नीतू सब्जी बनाने लगती है और विमला तभी एक सब्जी मसाले का पैकेट निकाल कर नीतू के हाथ में दे देती है। अरे बहू, ये मसाला डालना आज सब्जी में, मुझे दुकानदार ने ये बोल कर दिया है कि मार्केट में नया आया है। ठीक है मम्मी जी। तभी विमला को ध्यान आता है, अरे बहू इस पर पढ़ लेना कि इसमें लहसुन प्याज ना हो, भगवान को भोग लगाना है ना। अब नीतू बुरी फंसी, अब क्या करूं, मम्मी जी को सच बताना ही होगा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, कहीं इस मसाले में कुछ हुआ तो भगवान को भोग कैसे लगेगा, मैं सो नहीं कर सकती, मुझे सच बताना ही होगा। और नीतू विमला को सब कुछ बता देती है। मम्मी जी मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ, मैंने झूठ कहा था, लेकिन मैं आपकी आस्था के साथ मजाक नहीं कर सकती, पर मैं पक्का कुछ दिनों में सीख जाऊंगी पढ़ना लिखना। और अब विमला के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। अनपढ़ कहेगी, गवार, निकल मेरे घर से। विमला गुस्से में नीतू के कपड़े बड़े से बैग में भर देती है और उसे नीतू के हाथ में देती हुई कहती है, चल निकल मेरे घर से और वापस अपना मुंह मत दिखाना कभी। नीतू का बैग उठाने से विमला के कमर में झटका आ जाता है और वो वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। हाय मेरी कमर, हिला भी नहीं जा रहा मुझसे, अरे कोई तो कुछ करो। कुछ नहीं होगा मम्मी जी, मैं हूँ ना। नीतू विमला को तुरंत उसके कमरे में ले जाती है, उसकी कमर पर तेल लगाती है,
उसे गरम गरम चाय बनाकर देती है। मम्मी जी आप आराम कीजिए। नीतू दिन रात अपनी सास की सेवा करती है, उसकी मालिश करती है और कुछ ही दिनों में विमला उठकर खड़ी हो जाती है। अरे बहुत हो गया तेरा ड्रामा, तुझे क्या लगता है ये सब करने से मैं एक अनपढ़ को अपने घर में रख लूंगी? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बस चाह ही रही हूँ। नीतू अपना सामान लेकर घर से जाने ही लगती है, तभी संजय कहता है, ये सही है, कोई पढ़ी लिखी बहू आए इन लोगों को सड़ने के लिए छोड़ दे। क्या होता मम्मी अगर तुम साल भर इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रह जाती, तो वो अच्छा था ना? पढ़ी लिखी बहू होती तो तुम्हारे इस घर पर कब्जा कर तुम्हें वृद्धाश्रम पहुँचा देती तो क्या हुआ, लेकिन बहू पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ठीक किया इस अनपढ़ को निकाल रही हो, ये अनपढ़ ही है जिसने तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा कर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। विमला की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, बहू तू मेरे घर की लक्ष्मी है, बहू अच्छी और संस्कार वाली होनी चाहिए, पढ़ी लिखी और अनपढ़ का घर संभालने से कोई नाता नहीं, मुझे माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं मम्मी जी, है तो हम एक ही ना। अब हम दोनों सास बहू मिलकर पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।